दोस्तों, दुनिया में भूत प्रेत और आत्माओं से जुड़े बहुत सारी बातें प्रचलित है। कुछ लोग भूत को महसूस करने का तो कुछ लोग देखने का दावा करते हैं। तो आइए जानते हैं एक रहस्यमय अस्पताल के बारे में। सिंगापुर में नॉर्थवन रोड के किनारे बसे चंगी गांव में 1930 में एक अस्पताल का निर्माण कराया गया था। शुरू के कुछ सालों तक ये अस्पताल बाकी आम अस्पतालों की तरह कार्यरत रहा, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इस इलाके पर जापान का कब्जा होने के बाद इस अस्पताल को मिलिट्री अस्पताल में बदल दिया गया। हाईवे के किनारे होने के कारण युद्ध में घायल सैनिकों को यहाँ लाना बहुत ही आसान था, और इसीलिए हजारों की संख्या में घायल जापानी सैनिकों को यहाँ लाया जाने लगा। हालांकि डॉक्टर्स, नर्स और अन्य सुविधाओं की कमी के कारण अधिकांश सैनिकों की मौत होने लगी, और भारी संख्या में हो रही मौत के कारण एक भयंकर बीमारी ने जन्म ले लिया। अब अस्पताल में मौजूद सैनिक के साथ साथ डॉक्टर, नर्स और बाकी कर्मचारी भी इस बीमारी के चपेट में आ गए, और इस अस्पताल में काम करने वाले दो नर्स और एक डॉक्टर की भी मौत हो गई। लगातार इतने मौत होने के कारण ये अस्पताल एक मनुष्य जगह बन गया, और द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने तक ये अस्पताल पूरी तरह से वीरान हो गया था। लोगों का मानना है कि मरे हुए सैनिकों और नर्सों की आत्माएं भी इस अस्पताल में भटकती है। लोगों का कहना है कि यहां उन्होंने भूतों को भी देखा है। वैसे आपको क्या लगता है, भूत होते हैं या नहीं, कमेंट करें।